दिखाई दे रहा है ट्रेंगल का। इस कॉन्सेप्ट पे बारे में बात करेंगे, बाकी इसके जितने कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया आपको कैसे गिनना। क्योंकि देखो ये सिंपल सिंपल फिगर है, ये आपके ऐसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, एग्जाम में इसी का कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, एक दो इसी में एग्जाम्पल है आपको मैं करा दूंगा। जैसे देखो पहला जो आपको दिख रहा है ट्रेंगल आपका, उसमें क्या है कि आप सिंपल से काउंट कर लोगे और बता दोगे आंसर कि सर ये आंसर होगा इसमें, ठीक है। अगर वहीं पे अगर ये कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, इसी के फॉर्म में बना दिया जाता है, वो आगे मैं दिखाऊंगा तो आप जान जाओगे कैसे इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो गिनने में आपको दिक्कत पड़ेगी अगर आप इसे तोड़ते नहीं हो सिंपल सिंपल ट्रेंगल में। तो अब देखते हैं इसमें अगर आपको गिनना होगा तो कैसे गिन लोगे। एक सिंपल सा 1, 2, 3 और ये बीच वाला 4, ठीक है। 4 ट्रेंगल आपको दिख रहा है क्योंकि एक ट्रेंगल अंदर गया बड़े वाले ट्रेंगल के, तो वो 4 ट्रेंगल बनाया। और एक बाहर वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल गिन लोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जो हो जाएगा आपका कर दोगे 5 हो जाएगा, ठीक। इस पे जो हुआ 5 होगा। अगर मैं इस पे इस फिगर पे बात करूं आपसे, इस फिगर पे बात करूं, अब इसमें थोड़ा सा और कैसे कॉम्प्लेक्स होता है फिगर देखो। इस ट्रेंगल के अंदर एक और ट्रेंगल डाल दिया है, तो अब उसमें भी क्या होगा, अब ये ट्रेंगल गया तो इसके अंदर बनाएगा 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो इसके वजह से ये 4 बनाया। अब ये जो है बाहर वाला, ये भी क्या करेगा आपका, उस पर ये भी 4 बनाएगा। मतलब हर एक अंदर जो जितना ट्रेंगल रहेगा वो अपना एक 4-4 बनाएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये गया तो ये 4 बनाएगा, इसके अंदर कोई जाएगा तो वो भी 4 बनाएगा, फिर उसके अंदर भी कोई जाएगा तो वो भी 4 बनाएगा। कुछ मोटा हो गया है, इसे पतला कर लेते हैं। चलो ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा, ये वाला 4 देगा आपका, ये अंदर वाला 4 देगा और एक ये बाहर आपका है ही है, ठीक है, सिंगल। तो 4, 4, 8, 1, 9 हो जाएंगे इसमें ट्रेंगल। आगे बात करें, आगे क्या हुआ, बस जो वही बात मैं बोल रहा था कि आपका अगर ये ट्रेंगल है, इसके अंदर एक गया तो आपका 4 देगा, फिर गया तो 4 देगा, फिर एक जाएगा तो 4 देगा, ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। तो ये अंदर वाला 4 देगा, उसके अंदर वाला ये 4 देगा, उसके ये अंदर वाला 4 देगा, तो 4, 4, 8, 4, 12 और एक सबसे पहले वाला, सबसे लास्ट वाला एक ये, तो कितना हो जाएगा 12, 1, 13। तो इसमें 13 ट्रेंगल होंगे। अब कॉम्प्लेक्स कैसे करता है वो आगे आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखो, ये इस उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस ट्रेंगल को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है। ये फिगर 1 है, आप अगर आंसर दे पाओ तो इसका आंसर दो। फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, आपके पास ऑप्शन जो दोनों दिया हुआ है फिगर 1 और फिगर 2 का, देखते हैं, क्योंकि उसी का यूज किया गया, बाकी उसमें और कुछ नहीं। जो मैंने इससे पहले बताया कि ट्रेंगल अगर है आपके पास, आपके पास अगर ट्रेंगल है ये ट्रेंगल है, अब यहां से पड़ता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऐसे, और पड़ता है तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद से उसे गिन लेते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या है, आपको वही कॉन्सेप्ट इसका भी यूज करना है आपको। देखो कहां यूज करना है वो देख लेते हैं। यहां आपका पहले क्या है, पहले तो आपका सिंगल ऐसे बना हुआ है, इसे अगर तोड़ोगे तो एक ये आपका मिलेगा, सिंपल में करते हैं तो इससे हमारा कितना बनेगा 1, 2, 3 और ये 4, जानते हैं इससे 4 बनता है। उसके बाद से क्या हुआ, यहां से एक पार्टीशन हुआ, यहां से पार्टीशन हुआ, यहां से पार्टीशन हुआ, ठीक। तो अब ये ना बोलना कि सर ऐसे जब होता है तो इसमें 3 तो बनता है, 1, 2 क्योंकि इसको ऐड करके 3 हम बोलते हैं ना, तो इसमें एक बड़ा वाला गिन लेते हैं। जब ऐसा होता है फिगर हमारे पास, तो इसमें यहां से जब आता है आपका कट करता है बेस पे, तो एक ये होता है, एक ये होता है और एक आपका बड़ा वाला होता है, तभी 3 होता है। मगर यहां पे क्या हुआ है, आपका बड़ा वाला पहले काउंट हो चुका है, तो इसलिए हम यहां पे क्या गिनेंगे, 2 गिनेंगे। तो ये 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेगा, तो 2 यहां से और मिलेगा, 2 यहां से और मिलेगा, तो हमें और टोटल कितना मिला, 2, 2, 4, 2, 6 मिला, और 4 इसके वजह से मिला था, तो 4 प्लस और 6 ये 10 हो गया, और एक बाहर वाला सबसे आउटर वाला, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिगर 2 को देख लेते हैं। फिगर 2 में क्या किया है,
कुछ नहीं किया, इसके अंदर एक और डाल दिया है, मतलब कि इसे रफ कर दें। देखो इस फिगर में क्या हुआ कि यहां पे एक पड़ा अंदर, उसके बाद एक और अंदर चला गया, तो यहां से इससे चार मिलेगा, इस वाले से चार मिलेगा, आठ हो गया। उसके बाद आपका दो यहां से, दो यहां से और दो यहां से, तो कितने हो गए, छह और मिल गए, तो चार चार आठ और आठ छह कितना हो गया, चौदह। तो चौदह ये और एक बाहर वाला सबसे आउटर वाला ट्रायंगल, तो चौदह एक 15 हो जाएगा। तो फिगर टू का आंसर क्या होगा, 15 होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। ये अगला अलग टाइप से कॉन्सेप्ट है, इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है इस टाइप के फिगर में, इसे कैसे काउंट करते हैं। जब भी आपका फिगर आता है, अगर सिंपल ये फिगर दिया, इसे तो काउंट कर लोगे कि इसमें एक ट्रायंगल आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है, इसे दे दोगे और एक ट्रायंगल आपका इसका ये पार्ट बन जाएगा, दूसरा ऐसा, मतलब कोई भी आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, अगर एक कोई डायगोनल उसका मिला हो तो आप जोड़ोगे कि एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो यहां तो सिंपल काउंट कर लेंगे। अगर वही आपका स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल उसके दोनों डायगोनल हो, तब आप काउंट करने में थोड़ा टाइम लगाओगे, क्योंकि उसमें एक ये होगा, एक दो ये होगा, ये तीन होगा, ये चार होगा, उसके बाद से आपका एक पूरा ये बड़ा वाला एक होगा, पांच, ठीक, इधर से जाओगे तो छह, ठीक, उस बेस से गिनोगे ऐसे दो मिलेगा, सात और आठ, ठीक, तो गिन तो ले जाओगे और कॉम्प्लेक्स इस फिगर को कर देगा, जैसे करता गया, देखो ये यहां से कर लेगा, फिर ऐसे कर देगा, तो उसमें काउंट करना आपको परेशानी पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, आप नंबरिंग करो एक दो तीन चार, ठीक है, जो हाइएस्ट नंबर हो इसमें उसका डबल कर दो, जैसे यहां पे फोर है तो फोर इंटू टू, उतने इसमें ट्रायंगल बनेंगे। ये सब मैं आपको किसका बता रहा हूं, आपको काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे जब पूछे तब आपको बताना है। यहां तो आप कितना बताओगे, यहां दो बताओगे, यहां इसका डबल ना कर देना कि इसका हाईएस्ट नंबर दो है तो इसका दो कर देंगे तो हमारे पास आएगा चार, ये इसमें नहीं है, इसके आगे जितने पार्टीशन होते हैं उसके लिए लागू होता है ये नियम, इसमें नहीं लागू होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ सिंपल दो होता है क्योंकि इसे देखने से ही पता चल रहा। यहां पे कितने होंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका डबल। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, नंबरिंग कर दिए। अब इसके बाद से क्या करो, जो हाईएस्ट नंबर है मैंने बताया उसका डबल कर दो, छह का डबल कर दोगे तो कितना होगा, छह दूनी बारह, मतलब डबल मतलब दो से मल्टीप्लाई करना है आपका। उसके बाद से इसमें अगर आगे वाले में आए तो इसकी भी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है आपका, आठ है, तो आठ दुनी सोलह, ठीक। तो ये आपका जब भी ऐसा फिगर हो जहां से आपके सेंटर लाइन से कोई भी लाइन जाए और आपके किसी भी वर्टिक्स पे पूरी तरह टच हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, सबकी नंबरिंग कर दोगे, जितने पार्ट उसमें बनेंगे उसको क्या करोगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका डबल कर दोगे, तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर लोगे उसमें कितना होता है। इस फिगरों का यूज करके आगे कॉम्प्लेक्स फिगर बनाया जाता है, जो इन सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में इन्हीं फिगरों से यूज करके आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है आपसे क्वेश्चन और पूछा भी है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, भाई जिसे आंसर आ जाए वो बता दो क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हो एक सिंपल में, सिंपल वाले में मैंने बता दिया आपको कितना होता है, देखो उसी का दो कंबाइन हुए, इसमें कितने होते हैं, एक दो तीन चार, चार का डबल कर दोगे तो आठ हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो वैसे दो इसमें फिगर हैं सेम टू सेम, तो कितना हो जाएगा आठ, ठीक है, आठ प्लस आठ, ये तो सिंगल आठ इसके मिलेंगे, आठ इसके मिलेंगे, तो सोलह यही हो गया, और क्या मिलेगा। और जब ये दोनों फिगर कंबाइंड होगा तो इस नोड पे देखो, ये दोनों नोड पे एक एक ट्रायंगल आपको मिलेगा, कौन कौन सा, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है आपका, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका एक ये मिलेगा जब दो फिगर कंबाइंड होगा, और एक उसी तरह उस बेस पे एक ये मिलेगा आपका, ठीक है, तो दो और मिलेगा, तो 16
प्लस दो और लिख दो तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस फिगर में 18 ट्रेंगल होगा। इसी फिगर में अगर आपसे कुछ और बना दे, जैसे ये सिंपल फिगर था, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, ये देखो इसी में एक ट्रेंगल ऐसे माउंट कर दे यहां पे, ठीक है। अब पूछे आपसे इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, तो क्या करोगे, अब सिंपल सी बात है, अब इसे पहले काउंट करो, इसमें तो 8 होगा, आप जानते हो इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, क्योंकि काउंट कर चुके हैं। इस वाले फिगर में कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो यहां तक तो इस पूरे में 18 होगा, क्योंकि 16 हुआ और दो और मिलेंगे, 18 होगा। उसके बाद से ये सिर्फ ट्रेंगल माउंट हुआ ना ऊपर, तो इसमें कितने मिलेंगे भाई, 3 मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस वाले फिगर में जब भी होता है तो कितने ट्रेंगल मिलते हैं, 3 मिलते हैं। अब इसके बाद क्या कंबाइन होने के बाद भी कोई मिल रहा है ट्रेंगल, हाँ मिल रहा है, देखो कैसे मिल रहा है, यही छूट जाता है लोगों से, ये हिडन ट्रेंगल जो होता है गिनने में छूट जाता है, कि ये वाला जो ट्रेंगल है आपका, देखो ये दोनों कंबाइन होके ये वाला पार्ट, एक ट्रेंगल ये मिलेगा और एक ट्रेंगल सेम उसी तरह सिमेट्री फिगर है तो एक ट्रेंगल इधर मिलेगा, तो 18 हो गया आपका, 18 पहले ही था, 18 प्लस 3 प्लस 2 और, तो 20 और 3 23, तो इसमें टोटल ट्रेंगल कितने हो जाएंगे, 23। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फिगर बनाता है आपसे, ठीक है, बेस इसी को मानेगा, उसमें आगे ट्रेंगल जोड़ देगा, फिर ऐसे ही इधर जोड़ दिया, ऐसे इधर जोड़ दिया, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स फिगर बनता चला जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन सेशन में कराएंगे। आगे क्वेश्चन है, इसे देख लो और इसका आंसर कमेंट करो, जूम कर दे रहा हूं मैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर, कितने नंबर ऑफ ट्रेंगल्स होंगे। कुछ नहीं करना है, आपको पता है इस वाले फिगर में, इस टाइप के फिगर में कितने होते हैं भाई, 8 होता है, 8 यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिलेगा, ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 8 तरीके 24 हो गया, ठीक है, 24 तो अभी हो गया हमारे पास। उसके बाद से आपके जो नोड है, यहां पे एक मिलेगा, यहां पे एक मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, ये और ये, ऐसे ही ये और ये जो दोनों कंबाइन हुए हैं तो हमें मिलेगा, तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये दो यहां दो यहां, टोटल 4 और मिल गए, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये गिनने का तरीका हो गया। अगला बढ़ते हैं, हाँ अब इस वाले का आंसर बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल सा है, सेम चीज लगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा, देखो सिंपल सा है, सेम वही सब जानते हो कि इसमें कितना होता है 8, इसमें कितना होता है 8 और इसमें कितना होता है 8, ये तो होगा ही होगा, तो 24 तो आपका कहीं नहीं गया क्योंकि 3 ही है, इससे पिछला वाला भी 3 था मगर वही एक लाइन में था, और ये क्या हुआ, दो ऊपर है एक नीचे है, तो 24 तो आपका ये कहीं नहीं गया है, 8 8 16 8 3 24। उसके बाद देखो इस नोड पे एक मिलेगा, इस नोड पे मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, इस वाले फिगर को, फिगर 1 और फिगर 2 को जब कंबाइन करेंगे, ठीक, और ये फिगर 3 है, तो जब ये और ये कंबाइन होगा तो यहां दोनों पे मिलेगा, तो दो और लिख लो। उसके बाद जब ये फिगर और ये फिगर कंबाइन होगा तो इस नोड पे भी एक मिलेगा और इस नोड पे भी एक मिलेगा, ठीक, तो और दो मिल जाएगा, ये लो। इसके बाद भी कोई मिलेगा क्या 24 4 28 के बाद, क्योंकि उसमें भी तो 28 ही आया था, तो सोचोगे सर उसमें भी जब 3 था और इसमें भी 3 है सेम चीज, तो 28 इसमें भी होगा, और क्या मिल सकता है इसमें, इसमें और एक मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो एक और ट्रेंगल मिलेगा, वो कौन सा ट्रेंगल होगा, चलो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, वो कौन सा ट्रेंगल होगा आपका, ब्लू कलर ले लेता हूं, ठीक है, वो ट्रेंगल आपका होगा ये वाला, बड़ा सा ट्रेंगल मिलेगा ये वाला, देखो ये, ठीक है, ये जो ट्रेंगल आपका मिलेगा पूरा, एक बड़ा एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा भैया, इसमें 28 हुआ था तो ये 29 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक और आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, उसके बाद से
अब इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे काउंट करके। सेम उसी बेस पे देखो, एक सिंगल मैंने वो बेस लिया जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे काउंट कर सकते हो, उसके बाद से आपसे पूछ दिया, क्योंकि इसमें आप क्या किया कॉम्प्लेक्स फिगर बना दिया आपके सामने। सपोज करो आप जानते नहीं हो काउंट करना और ये फिगर आ जाए नंबर ऑफ ट्रेंगल काउंट करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, अब तो जान गए हो कि इसे तोड़ना है पार्ट वाइज में, तो पहला पार्ट आप क्या निकाल लोगे इसमें से। पहला पार्ट तो हम ये निकाल लेंगे जो हमारे पास ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। इस टाइप के फिगर को हम पहले निकाल लेंगे, उसकी नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें टोटल कितना मिल जाएगा, 8 का डबल होगा। मैंने बताया था जो भी हाईएस्ट नंबर हो उसका डबल ट्रेंगल मिलता है, तो 16 ये हो जाएगा। उसके बाद से आपके क्या है फिगर में, आपके दो ट्रेंगल ऐसे माउंट हुए हैं दोनों पे, ऐसे ट्रेंगल एक इधर माउंट हुआ है और एक इधर माउंट हुआ है। तो हर एक इस टाइप के ट्रेंगल में तीन मिलता है आपको, तो 3 ये देगा और 3 ये देगा। ठीक है, तो 6 और मिल जाएगा आपको, तो 16 और 6 जोड़ लोगे तो 6, 6, 12, 1, 1, 2, 22 हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा भी कुछ और मिलेगा क्या, वही एक्स्ट्रा हमेशा आप लोगों से काउंट होने में छूट जाता है। ठीक है, वो कौन सा एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा ये वाला ट्रेंगल होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ये जो ट्रेंगल है, क्योंकि इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट ये दोनों कंबाइंड होकर एक ट्रेंगल बनाएंगे, तो एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा सिमेट्री में, तो प्लस 2 यहां से मिलेगा। और सेम ऐसे ही सिमेट्री में इसको ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल आपका कंबाइंड होगा तो एक पूरा बनाएगा। ठीक है, तो एक यहां से मिलेगा एक यहां से मिलेगा, तो 2 और मिलेगा, तो 22, 2, 24 और 2, 26। तो ये आपके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे उससे रिलेटेड हो गया। बाकी और जितने क्वेश्चन होंगे आगे जो सेशन होगा रीजनिंग का, उसमें क्वेश्चन सेशन में हम करेंगे। तो आज के लिए आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड आपके लिए जैकपॉट सवाल है, जिसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा है, क्योंकि अभी तक मैंने 3 का आपको बता दिया था, 1, 2 और 3 वाला बॉक्स, उसी के साथ मैंने एक चौथा बॉक्स भी इसमें जोड़ दिया, और आपको इसका आंसर बताना होगा कि 40 होगा या 42 होगा या 44 होगा या 45 होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, जहां आपका क्वेश्चन सेशन होगा काउंटिंग फिगर का। धन्यवाद।